भाजपा ने युवाओं के रोजगार पर डाका डाला है। भाजपा ने स्टेल गाकर रोजगार को रोकने की कोशिश की है, यह आरोप लगाया है कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश तिपैया ने। जगदीश ने कहा कि भाजपा आज तक स्टेल गाने में माहिर रही है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश तिपैया ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में जगदीश तिपैया ने कहा कि भाजपा आज तक स्टेल गाने में माहिर रही है और रोजगार को रोकने की कोशिश की है, ऐसी राजनीति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तिपैया ने कहा कि भाजपा ने युवाओं के रोजगार पर डाका डाला है और जेवीटी भर्ती, क्लर्क, लेक्चरर, पीटीए पर स्टे के साथ ही बैंक भर्ती में स्टे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा बेरोजगारों के रोजगार पर डाका डाला है। जगदीश तिपैया ने कहा कि बैंक के एनपीए को लेकर आए दिन बीजेपी बयानबाजी करती है, लेकिन पूर्व सरकार के समय में चेयरमैन ने ही लोन अपने लोगों को बांटे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक की सारी जानकारी भाजपा बेझिझक ले सकती है, क्योंकि बैंक का काम पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। जो एनपीए की सौगात हमारे मित्र देकर गए हैं, मैं केवल आज हमीरपुर में हमीरपुर की बात करना चाहता हूँ। हमीरपुर जिला की नहीं, केवल हमीरपुर में ही लगभग 109 करोड़ जो है वो एनपीए में है, और सारे के सारे लोन मेरे से पूर्व जो चेयरमैन थे, इनकी सरकार थी, इन्होंने दिए, और दिए भी किसको हैं, सब बीजेपी के लोगों को दिए हैं। आज वो चाहे कहीं बदलें, कहीं जाएं बचने के लिए, लेकिन सारे लोन इन्होंने दिए, कुछ करें। अगर बैंक के ऊपर इनको कोई भी शक है, मेरा बोर्ड और मैं तैयार हूँ, जब मर्जी आए, सरकार की बात छोड़ दें, आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है, सरकार आना तो इनको सपना है मंगेरी लाल का, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब मर्जी आए हम तैयार हैं, इनको जो कागज चाहिए हम देंगे, कहीं जाने की जरूरत है ना, हमें दें, इस पर इंक्वायरी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।